हाँ तो आज हम लोग क्लास टेंथ का रियल नंबर का पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे। क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ये समझा दिए थे और उस पर कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स भी देखे थे। तो आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन है कि एन आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स एंड आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एंड आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए पैरेड, इन ए पैरेड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन ए सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो मेरे पास आर्मी का कॉन्टीजेंट है जिसमें कि 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो ये एक तरह से दो ग्रुप है, 616 और 32 का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उस उतना नंबर का यदि हम कॉलम बनाएंगे तो ये लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर सकते हैं ताकि सेम नंबर ऑफ कॉलम हो। तो HCF निकालते हैं, तो इसके लिए अभी हम लोग इसके पिछले लेक्चर में पढ़े थे HCF निकालने का तरीका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो 616 एंड 32 का HCF निकालेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। इस और इसका हम मेथड बताए थे पिछले लेक्चर में कैसे निकालते हैं इसको। तो 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। तो चूंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो अगला स्टेप में हम लोग 32 और 8 को ए एंड बी मानेंगे। तो 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। सो अब इस केस में जो है रिमाइंडर जीरो आ गया, तो जिस स्टेप में जाके रिमाइंडर जीरो आता है उस स्टेप का डिवाइजर जो है इन दोनों नंबर का HCF हो जाएगा। तो इस केस का डिवाइजर आपका है 8, सो डिवाइजर इज 8। सो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज 8। सो वी कैन से दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज 8। अब अगला क्वेश्चन है इसी में कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज
ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 6q+5। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और ए तो हमको पता है और ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग को b फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए 6q के फॉर्म में लाना है हमको 6 इंटू क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग डिवाइजर जो है b इक्वल टू 6 एज्यूम कर लेंगे। तो अब नाउ फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सो a इक्वल टू 6q प्लस r वेयर 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू r बट लेस देन 6। हाँ तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या हुआ था कि हम लोग यहाँ गलती से 6 के जगह q b के जगह q लिख दिए थे, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसमें r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b होगा ना कि q होगा। तो इसलिए यहाँ पे r का वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 5, तो a इक्वल टू 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 and 6q+5 होगा। तो a इस फॉर्म में है, सो a इक्वल टू दिस इफ, तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि a इफ a इज ऑफ द फॉर्म 6q 6q+2 6q+4 इज ऑफ द फॉर्म 6q 6q+2 6q+4 देन इट इज इवन इंटीजर, देन इट इज इवन इंटीजर। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ओड, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ओड। तो जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ओड इंटीजर हो जाएगा। सो देयर फोर एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 and 6q+4 एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 6q+5। इसके बाद हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड दो और सिंपल प्रॉब्लम करेंगे। तो इसमें से पहला सैंपल प्रॉब्लम है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सो दैट अ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3m or 3m+1 फॉर सम इंटीजर के। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले फिर से वही लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3 ले लेंगे इस टाइम डिवाइजर। तो सो ए इक्वल टू क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आर बट लेस देन 3। सो ए इक्वल टू 3q ए इक्वल टू 3q+1 a = 3q+2। तो हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q² 3q+1 2 3q+2 2। तो a स्क्वायर इक्वल टू होगा 9q² + 6q+1 9q² + 12q+4। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 3q² + 2q + 1 3 × 3q² + 4q
फोर क्यू प्लस वन प्लस वन, तो ये हमारा हो गया थ्री के वन और थ्री के टू प्लस वन और थ्री के थ्री प्लस वन, वेयर के वन के टू एंड के थ्री आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो k1 k2 k3 सम पॉजिटिव इंटीजर्स है, हेंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, हेंस इट कैन बी सेड दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो अगेन हम लोग का अगला क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सो दैट q ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो इस केस में हम लोग को क्या करना है, तो फिर से सेम प्रोसीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी इक्वल टू, हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है कि बी इक्वल टू 3 मानेंगे, क्योंकि बी इक्वल टू 9 मानने से ये रिमाइंडर जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि बहुत लेंदी चला जाएगा, तो हम लोग को इस केस में ये ध्यान रखना है कि बी इक्वल टू 3 ही लेना है। अब इसके अनुसार फिर रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन 3 होना चाहिए और 0 के इक्वल भी होना चाहिए। तो अगेन ए इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 3q प्लस 2। तो हम लोग को क्या करना है, एक पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब के बारे में पता करना है। तो केस वन व्हेन ए इक्वल टू 3q, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो 27 क्यू क्यूब हो जाएगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 q, तो इसको हम लोग 9m लिख सकते हैं, वेयर m इज इक्वल टू 3q, जो कि एक कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। केस टू व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1, तो इस केस में फिर से क्यू करेंगे तो a क्यू तुम्हारा हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर आएगा 27 q³ प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1। तो हम लोग इसमें से फिर 9 कॉमन ले लेंगे, तो 3q³ प्लस 3q² प्लस क्यू प्लस वन, और ये जो हमारा टर्म है ये पूरे को हम लोग एम मान लेंगे इस केस में, जो कि हमारा हो जाएगा 9m प्लस 1 वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। अगेन केस थ्री में है व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2, फिर से हम लोग क्यूब करेंगे इसका, तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 3 का होल क्यूब, जो कि आएगा 27 q³ प्लस 54 q² प्लस 36 q प्लस 8। तो इसको हम लोग फिर 9 कॉमन लेंगे, तो 3 q³ प्लस 6 q² प्लस 4 q प्लस 8, जो कि हमारा फिर 9m प्लस 8 हो जाएगा 9m प्लस 8। तो वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इक्वल टू ये पूरा 3 q³ प्लस 6 q² प्लस 4 q। तो सो therefore we can say that q of any positive integer is of the form 9m plus 8, q of any positive integer is of the form 9m plus 8। हाँ, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।